नमस्कार दोस्तों इलेवेंथ क्लास इकोनॉमिक्स चल रही है एनसीआर टी किताब चैप्टर नंबर फोर का लास्ट पार्ट है हम लोग शुरू कर सकते हैं वो गवर्नमेंटल स्कीम्स जो कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए हमारी सरकार ने चलाई अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है पुअर को बचाने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार के अल्टरनेटिवस लाने की सोच रही थी और एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव था इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया सेकेंड थर्ड फोर्थ और आगे आने वाले फाइव ईयर प्लांट्स पे इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू

वो भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ एडिशनल एसेट्स बनाने पड़ेंगे कुछ एडिशनल वर्क जनरेशन करना पड़ेगा और ये किसके थ्रू अचीव किया जा सकता है दिस कुछ भी अचीव्ड थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो अब यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्पेसिफिकली चलाए जाने की बात की गई यहाँ देखिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक काम होता नज़र आ रहा है उस समय की एक आइकॉनिक फोटो है तो इस टेबल में उठा उठा के गिट्टी डाल रहे हैं लोग और उसके लिए इनको पैसा मिलेगा तो ये तो एक बात होगी कि स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाइए आप जिससे लोगों की और जो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम में सॉल्व होगी उसके बाद ये जो सेकेंड अप्रोच थी हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 में जो थर्ड फाइव ईयर प्लान शुरू हुआ 1961 से लेकर उन्नीस सौ से 66 तक यहाँ पे ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की अप्रोच है वो आगे आगे बढ़ती ही जाएगी आज तक ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की अप्रोच के चलते हम लोग सोशल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम शुरू की गई थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल की बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम वो थी नाइनटीन सेवेंटीज की फूड फॉर वर्क ठीक है भाई फिर बात की जाए ज्यादातर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए वो फाइव ईयर प्लान के परस्पेक्टिव के हिसाब से शुरू किए गए तो थर्ड फाइव ईयर प्लान फोर्थ फाइव ईयर प्लान फिफ्थ फाइव प्लान में शुरुआत में सोच लिया जाता था हम ऐसे ऐसे करेंगे और उस हिसाब से फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती थी बेसिकली फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाने पे और वेज इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाने पे ये दो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बढ़ाएंगे तो पॉवर्टी कम हो सकती है ऐसा सोचा गया तो भाई 2008 तक बहुत सारे ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसको आर बोला जाता है फिर प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना पी फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एस जो पहला प्रोग्राम है जिसको आप बोलोगे यहाँ पे क्या Rural Employment Guarantee Program. Okay, the first program aimed at creating self employment opportunities in urban areas. एक्चुअली में यहाँ पे बात की जा रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की रूरल वाले की बात नहीं की जा रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात की जा रही तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई अर्बन इलाकों में और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रोएक्टिव लेवल पर सामने आया जिसका नाम था के खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था इस प्रोग्राम में ये बोला गया कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स और इन लोन्स से स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा ठीक है जो एजुकेटेड अनइंप्लॉयमेंट है अनइंप्लॉयमेंट अनइंप्लॉयड है फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल अर्बन एरियाज इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है कि ये किसी भी प्रकार का एंटरप्राइज खोल सकते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और इनको खुद भी एम्प्लॉयमेंट मिले मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर बैंक लोन से प्रोवाइड किए गए कि छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाए अब जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है उसकी तो कमाई हो गई होगी उस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे क्रिएट होंगी फिर ये एस जे एस आर वाई करके जो प्रोग्राम है जिसको बोला स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये भी भाई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को पैदा कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी वेज एम्प्लॉयमेंट को भी अर्बन इलाकों में ठीक है भाई ये सब आज की डेट में प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बन गया बेसिकली देखिए ये स्कीम सब बहुत पुरानी हो गई है आज की डेट में जो बहुत प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात कर लीजिए मनरेगा की बात कर लीजिए तो ये सब प्रोमिनेंट ही पुरानी स्कीम्स हैं कभी कभी ये न्यूज में आती हैं ठीक है तो इनके बारे में आप एन में पढ़ते हो करंट अफेयर्स में भी कम ही देखने को मिलती है वीडियो का लाइक का बटन आई होप आपने बता ही दिया होगा दोस्तों ठीक है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक तो उसको पहुंचाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए आपके जूनियर डॉक्टर जवाब दूंगा और ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो सिक्स से लेकर ट्वेल्थ पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस सब कवर हो रही है तो आप हेल्प कर सकते हैं अर्लियर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल ग्रुप्स पहले जब असिस्टेंस दिया जाता था तो किसी एक इंडिविजुअल को फैमिली को ग्रुप को अब आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सुनाना पड़ेगा सरकार ने बोला है कि भाई फैमिलीज के पास जो जाता है एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जो जाता है वो कभी एक प्रोडक्टिव एसेट में या लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो ग्रोथ पैटर्न में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है तो 1990 से सरकार ने बोला कि भाई सरकार की तरफ से मदद जाएगी सरकार बैंकों को बोलेगी कि भाई लोगों को पैसा दिया जाए बशर्ते लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ वॉल्ट्री ग्रुप्स बनते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी के हिसाब से आपके प्रोफेशन के हिसाब से किसी भी हिसाब से बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सरदारा सरोवर डोम बना सरदार सरोवर डैम के चलते वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके घर डूब गए उन्होंने वहाँ पे फिशिंग का ऑक्यूपेशन शुरू किया और अपने फिशिंग के ऑप्युपेशन को बाहर के एक्सप्लाटेटर से बचाने के लिए उन्होंने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा काम को सेग्रीगेट करेगा कुछ लोग फिशिंग करेंगे कुछ लोग फिश की मार्केटिंग करेंगे कुछ लोग जाके उसको मार्केट में बेचेंगे काम बढ़ जाएगा ठीक है स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा सब लोग कमाएंगे तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सरकार ने सबसे बोला कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ पैसा बचाओ और आपस में आप लोग पैसे को स्मॉल लोन्स की तरह जरूरत के हिसाब से समय समय पे एक दूसरे को दे सकते हो जब सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरुआत में बैंकों अपने अपने आपस में पैसा देन करेगा धीरे धीरे आप को रजिस्टर करके बैंकों से भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने लगेगी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली जो स्कीम है ना दोस्तों ये इंडिया में खासी सक्सेसफुल हुई है और बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली स्कीम को जोड़ा गया है ठीक है ना भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए फिर आगे बात कर लेते हैं किसकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्राम में मतलब रूरल इलाकों में स्वरोजगार मतलब खुद से इंप्लॉयमेंट पैदा करने में आप कुछ काम करो तो यहां पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार सरो, योजना को इंप्लीमेंट करने में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल किया गया अब इस एस जी एस वाई को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना को आप बोलते हो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एन आर एल एम ओके और अब फाइनली इसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ही बोला जाता है अब ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये तो हो गई भाई रूरल इलाकों में इसके प्रकार की एक अर्बन इलाकों में भी चल रही है एन यू एल एम जिसको बोलते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो कि किसके लिए है अर्बन पुअर के लिए आगे अगर आप बात करो तो गवर्नमेंट के पास एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू वो पुअर अनस्किल्ड पीपल के लिए रूरल इलाकों में वेज इंप्लॉयमेंट पैदा करते हैं जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे एक रेवोल्यूशनरी एक्ट की 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और बोला कि भाई गाँव के इलाकों में हर रूरल हाउस होल्ड का वो एडल्ट जो कि काम मांगता है के इलाके में उसको मैनुअल वर्क प्रोवाइड किया जाएगा एक साल में कम से कम सौ दिन का इसको बोला गया मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ठीक है इसको दीनदाल उपाध्याय अंत्योदय भी बोला गया है तो वो गरीब गांव के इलाकों में ठीक है जो की मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार हैं ये डिमांड बेस्ड वर्क है कि अगर एक गरीब हाउस होल्ड में किसी भी एडल्ट को चाहिए काम तो वो जाके अथॉरिटी से बोल सकता है हमको काम दो और काम दिया जाएगा 2018-19 में पांच करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली थी इस मनरेगा के लॉ के अंदर तो ये मनरेगा का लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहा है फिर एक और अप्रोच है एड्रेस करने के लिए पॉवर्टी को वो क्या है कि मिनिमम बेसिक एम्यूनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करो इंडिया एक ऐसा देश है दुनिया भर में जिसने कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू लोगों की बेसिक ज़रूरतों को समझकर उनको पूरा करने की कोशिश की है ये अलग बात है कि हम इन ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल किए हैं बट एट लीस्ट हमने कोशिश तो की जैसे कि लोगों की सोशल कंजमशन नीड्स का ध्यान रखना क्या चीज़ प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट्स एजुकेशन सप्लाई सैनिटेशन कहीं ना कहीं हमारे देश में बात की जाती है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर खाने की ग्रेन्स प्रोवाइड करिए एजुकेशन प्रोवाइड करिए तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right बनाया गया हेल्थ वाटर सप्लाई सैनिटेशन को लोगों को देने की कोशिश की गई ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारा जा सके यहाँ पे

शियल फूड ग्रेन एजुकेशन हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी अप्रोच जो से डील करने की थी इससे पहले मैंने दो अप्रोच की बात की ये जो तीसरी अप्रोच है पोवर्टी से डील करने की इसमें यह बोला गया कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने से कुछ नहीं होने वाला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बाद भी बहुत से ऐसे गरीब रह गए इंडिया में जिनके पास कुछ नहीं बच रहा है तो उनको ऑन ग्राउंड मदद देनी पड़ेगी उनको ऑन ग्राउंड एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे तो भाई उनको एजुकेशन के फील्ड में न्यूट्रिशन हेल्थ फूड ग्रेन्स ड्रिंकिंग वाटर हाउसिंग कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी ये बेसिक तौर पर सरकार को अपनी तरफ से देने पड़ेंगे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये गरीब अपने लिए सब कुछ खरीद लेंगे तो नहीं खरीद पा रहे ये हमने देख लिया फिर भाई यहाँ पे इन सब चीजों को देने के लिए तीन मेजर प्रोग्राम्स चलाए गए जो कि फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर के बारे में बात बात करते हैं सबसे पहले करें फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर के बारे में तो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर के लिए जो सबसे पहली रेवोल्यूशनरी स्कीम है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम पीडीएस स्कीम आज की डेट में भी फेयर प्राइस शॉप्स में आपको जाके अनाज मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा है ना हमारे देश की लगभग सड़सठ सत्तर प्रतिशत पॉपुलेशन को आपका गेहूं मिलेगा दो रुपए प्रति के जी पे और चावल मिलेगा तीन रुपए प्रति के जी पे ठीक है भाई तो वो सब पीडीएस की फेयर प्राइस शॉप के ही मिलता है फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई मिड डे मील स्कीम बनाई गई फिर अगर आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशन को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशन को सुधार रहे हैं कुल मिला के बहुत से ऐसे सेक्टर्स में जहां पे बेसिक फैसलिटीज सरकार सीधे तौर पे लोगों को अवेलेबल करवाए ऐसा सरकार ने बहुत लंबे समय से कोशिश की है तो शुरुआत में दूसरे तीसरे चौथे फाइव ईयर प्लान में सरकार ने भाई कोशिश की कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जब पूरा काम नहीं बन पाया तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी इन गरीबों को अफोर्डेबल रेट पे या बिल्कुल फ्री देनी ही पड़ेंगे नहीं तो ये बेचारे गरीब ही रह जाएंगे फिर सरकार के कुछ और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलते हैं

उनको भी इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया ठीक है भाई फिर सरकार ने कुछ स्कीमें चलाई गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए फिर 2014 में एक स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री जनधन योजना जिससे लोगों को बोला गया कि बैंक अकाउंट खुलवाओ इससे सेविंग होगी और अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको कुछ हद तक गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा सब्सिडी अगर आपको चाहिए तो सीधे अकाउंट में आपकी सब्सिडी आएगी तो मिडिल का करप्शन खत्म हो जाएगा ईच अकाउंट होल्डर को एक लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा

एवरेज जो है पोवर्टी का उससे बहुत कम है केरला का एवरेज अगर वो एवरेज है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे पोवर्टी लेवल ज्यादा होगा तो एज अ कंट्री हमारे सामने प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई प्रॉब्लम करने के लिए क्या करना है प्रॉब्लम क्या क्या है तो भाई हंगर की प्रॉब्लम है मल की प्रॉब्लम है इलिटरेसी की प्रॉब्लम है लैक ऑफ बेसिक आज की डेट में इंडिया में बहुत अलग अलग भागों में कॉमन फीचर बन चुकी है तो भाई पॉवर्टी एलेविएशन जो है प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ी पिछले फाइव एंड हाफ में हमने देखा पहला अप्रोच फर्स्ट अप्रोच सेकेंड अप्रोच थर्ड अप्रोच तीनों अप्रोच, अप्रोच मैंने आपको बताई है बट कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहां देखने को नहीं मिला है प्रोग्राम्स चलते रहे फिफ्थ ईयर प्रोग्राम से जो चालू की गई थर्ड अप्रोच की हाँ भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रखेंगे बेसिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करेंगे उसी ढर्रे पे आज की डेट में हम लोग चलते चले आ रहे हैं किसी भी प्रकार के रेडिकल चेंजेस नहीं हुए ओनरशिप ऑफ एसेट्स में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो कैसे ही होंगे अभी कैपिटलिज्म को आप कैसे बदलोगे कही न, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स डोमिनेट करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस को तो बेसिकली अगर आप बात करो तो जिस ढर्रे पे हम लोग अभी चल रहे हैं ना उस ढर्रे पे आगे हम लोग की जो इनक्वलिटी है वो बढ़ने ही वाली है

तो जितनी हमारी देश में पोवर्टी है उसके हिसाब से जो पैसा एलोकेट किया गया है या जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोवर्टी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एलोकेटेड फॉर दिस प्रोग्राम इज नॉट सफिशियंट ठीक है भाई तो पहली चीज क्या बताई गई पहली चीज ये बताई गई कि जो भी सरकार ने मदद दी वो मदद सही लोगों के पास नहीं पहुंची गरीबों के पास नहीं पहुंची अमीरी उसको फायदा उठा रहे थे नॉन पुअर्स को फायदा उठा रहे थे दूसरा जितनी मदद की जरूरत है गरीबी दूर हटाने के लिए उतनी मदद सरकार की तरफ से आने रही पैसा बहुत कम एलोकेट हो रहा है और तीसरा ये प्रोग्राम्स का इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बैंक ऑफिशियल पर डिपेंड करता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बैंक ऑफिशियल इल मोटिवेटेड है इन एडिकली है करप्शन प्रोन है एंड दे आर वेलबल टू लोकल एलिट्स

जस्ट अब लाइन जो लोग लाइन के पास है या तो उनसे बिल्कुल नीचे या थोड़ा सा पास है या ऊपर है उनके हालात कुछ अच्छे नहीं है बहुत बोलरेबल है अगर आप कोविड नाइनटीन की बात करिए तो कोविड नाइनटीन के समय पे कुछ ऐसा देखा गया कि जो लोग जस्ट पोवर्टी लाइन पे थे या हल्का सा पॉवर्टी लाइन ऊपर थे वो बिल्कुल ही पोवर्टी के नीचे से गए मास्क लेवल पर ऐसा बहुत सी रिपोर्ट बता रही है हालांकि कभी ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्टों में आता नहीं है जो सरकार कभी अपनी बुराई को पब्लिश नहीं होने देती है फिर आगे बात की जाए इन सब बेसिस पे हमको एक चीज पता चल रही है कि अगर इकोनॉमी में हाई ग्रोथ हो रही है तो सिर्फ हाई ग्रोथ के दम पे आप पोवर्टी को घटा नहीं पॉसिबल जब तक तो पुअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी प्रोग्राम का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता ठीक है भाई तो पोवर्टी को अगर आपको तो भाई जब ग्रोथ में पुअर भाई पार्टिसिपेट करने लगेंगे और कहीं ना कहीं ग्रोथ में पुअर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन जब उसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे ग्रोथ प्रोसेस में समझिए बात को हमारे यहाँ पुअर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है उनको किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है तो ग्रोथ प्रोसेस में जब पुअर्स को पार्टिसिपेशन दिया जाएगा तो वो ग्रो करने लगेंगे यहाँ पे बेसिकली वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की जाती है यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई ट्रेड यूनियंस को स्ट्रॉन्ग करो जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में उनके जो राइट्स हैं लेबर राइट्स उनको मेंटेन करो मैनेजमेंट कैसे चलेगा इंडस्ट्रीज में इसमें उन लेबर को वॉइसिस दो इस प्रकार की चीजें अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनके दम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो खुद ग्रोथ प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी ठीक है भाई लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है आपको लगता है कि कभी भी कॉरपोरेट्स

कहीं ना कहीं ऐसा हुआ नहीं है पॉवर्टी एलिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे इन पॉलिसी मेकर्स के सामने जो भी सरकार राज में रही है कहीं ना कहीं उसने कोशिश तो की है चीजों को ठीक करने की पर वो कर नहीं पाए पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिवेट कर नहीं पाए और अभी की सरकारों का भी जो मोडस ऑपरेंडी है कि कॉर्पोरेट्स को मदद देके इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आओ उससे इनइवालिटी बढ़ने वाली कहीं कम नहीं होने वाली देश में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जरूर कम हुए हैं लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ पुअर कम नहीं हुए क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ठीक है और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर भी भाई अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है कुछ स्टेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है बट ओवरऑल नेशनल एवरेज जो है ना वो बहुत खराब है ओके उसके बाद ये बोला गया है कि भाई अब तक हमने पैसा बहुत एलोकेट किया है पैसा खर्च भी बहुत किया है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जितना पैसा एलोकेट किया था वो इनफ नहीं था और जो एलोकेट किया, किया गया हमें देखने को मिला है, में, में। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में जिसकी भी पूरी नहीं हो रही है जिंदा रहने की आगे क्या बताया जा रहा है कि ओवरऑल अगर हम अपने देश की सक्सेस को बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की सक्सेस के साथ कंपेयर करें तो ज्यादातर जो हमारा नेशनल एवरेज है वो दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्री से कंपीट नहीं कर सकता हमारे यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल है कुछ सेक्शंस ऑफ इकॉानमी है कुछ रीजनस ऑफ द कंट्री है जो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहे हैं जैसे कि कुछ सेक्शन ऑफ़ पीपल जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे हैं आए अहमदाबाद टाइप के कॉलेज से निकले हुए दुनिया भर के नेचुरल टैलेंट दुनिया भर के भाई एमबीए टैलेंट के साथ कॉम्पीट करते हैं कही ना कहीं ना कहीं उनको पीछे भी छोड़ते हैं कुछ सेक्टर्स ऑफ इकानमी जैसे इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया के जो कि दुनिया भर के सेक्टरों में सबसे अच्छे दुनिया भर के फार्मेसी और आईटी में सबसे अच्छे माने जाते हैं कुछ रीजन है हमारे देश के फॉर एग्जाम्पल मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन की बात कर लीजिए वो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के रीजन को टक्कर दे रहा है लेकिन अगर आप ओवरऑल देश की बात करोगे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज के सामने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं है हालांकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो हमारे बहुत गंदे हो रखे हैं यहाँ पे आपको इस पूरे चैप्टर का रिकैप दे रखा है रिकैप मुझे आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है

1993 की की बात है। अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि एक तीन किलोमीटर की सड़क बनाएंगे जो कि राजकेथा विलेज में जाएगी और उसके लिए सत्तर दशमलव चौवालीस लाख रुपए एलोकेट किया गया सुरगुजा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया यहां पे ट्राइबल्स पचपन परसेंट आबादी है

डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होना है बट राजकेथा नाम का जो विलेज है ना वहां पे एक पहाड़ी कोरवा मार्ग कोरवाज है दोस्तों कि ये जो विलेज है राजकेथा नाम का यहाँ पे केवल एक पहाड़ी कोरवा रहता है वो है रामदास कोरवा तो रामदास कोरवा के लिए एक सड़क बनवाई जा रही है इस विलेज में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट प्रॉब्लम यह है कि सड़क वहां पे ऑलरेडी बनी हुई है रामदास कोरवा से पूछा गया तो रामदास कोरवा ने पूछा कि भाई आप मेरे चलते मेरे गांव में एक कच्ची सड़क लेके आ रहे हो ऑलरेडी कच्ची सड़क है आपने उसके ऊपर थोड़ी मोड़ी मिट्टी डाल के सत्रह दशमलव चौवालीस लाख रुपए खत्म कर दिए ठीक है ना मतलब आपने सत्रह दशमलव लाख खत्म किए पक्की रोड भी नहीं बनवाई कच्ची रोडी है उसके ऊपर मेरे लाल मिट्टी डाल के आपने सत्रह दशमलव चवालीस लाख खत्म कर दिए रामदास ने बोला मुझे ये सड़क चाहिए नहीं भाई मुझे थोड़ा पानी कर दो आप एक काम करो इस रोड पे सत्रह दशमलव चवालीस लाख खत्म करने के बजाय कुछ हजार रुपया खत्म करके मेरा कुआं बनवा दो तो मैं कम से कम पानी निकाल के अपनी खेती कर लूंगा पैसा कमा लूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट जितना पैसा इन सड़कों को बनाने में खत्म कर रही थी करोड़ रुपया अगर रामदास जैसी बाकी के अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया जाता तो उसकी इंटरेस्ट की इनकम से ये लोग अच्छा खासा कमा के जी लेते सुरगुजा में जितनी महंगाई उसके हिसाब से तो कुल मिलाकर बताया जा रहा था कि केवल एक कोरवा फैमिली के लिए उस गाँव में विलेज के मिट्टी डालने के लिए एक तीन किलोमीटर सड़क मिट्टी डालने के लिए सत्रह लाख चवालीस हजार रुपये खत्म कर दिए गए पक्की सड़क मनवाई गई थोड़ी मिट्टी डालने के लिए सत्रह लाख चालीस हजार खत्म कर दिए गए जबकि उस एक पर्टिकुलर रामदास कोरवा को कुछ हजार रुपए खत्म करके अपने ज़मीन पे एक चाहिए था बट उसकी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं तो बताया यहाँ पे ये यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जाती हैं ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत पॉलिटिकल होती हैं इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत गलत तरीके से होता है इनके इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको एक्चुअली में क्या परेशानियां है वो परेशानी नहीं पूछी जाती बस ऊपर के पॉलिटिकल बॉसेस जो डिसाइड कर देते हैं कि हाँ भाई इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऐसे कर दो वैसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ग्राउंड लेवल पे लोगों को क्या चाहिए क्या उनकी रियल रिक्वायरमेंट है ये उनसे कभी पूछा नहीं जाता जिसके चलते आती है और पूरे चांसेस है कि यहाँ करप्शन भी हुआ है चूँकि सिर्फ मिट्टी डालने के लिए सत्रह दशमलव चवालीस लाख का बजट दिखा दिया गया तो अब बात है जो लोग काम करवा रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे करप्शन भी किया होगा तो पॉवर्टी के हमने बहुत से फैसल्स को इस चैप्टर में खंगालने की कोशिश की है चैप्टर फाइव से मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है अपने कमेंट बॉक्स से वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं नहीं आ रही हैं है, तो क्यों नहीं आ रही हैं इसके व्यू पॉइंट जरूर छोड़ते रहिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स गुड बाय